अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने चौक ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अब अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने चौक से संबंधित सारी जानकारियां यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पर एक क्लिक में मिल जाएंगी। पिछले गुरुवार को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन शुभारंभ किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने वेबसाइट के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी जानकारियां अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेंगी। सर, अभी क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, लगभग एक साल से हम यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने में हमने कार्य शुरू किया था। नवंबर लास्ट ईयर से एक साल हो गया है। इस एक वर्ष में हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है, काफ़ी कुछ और अचीव करना बाकी है। थोड़ा कोरोना पैंडेमिक की वजह से थोड़ी रुकावट अवश्य आई है, लेकिन हम इसको और गति दे रहे हैं और गति मिलना अब शुरू भी हो गई है। पहला हमारा जो इसमें एक पड़ाव ये था और एक स्टेज थी कि हम सारे मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस को एफिलिएट करें, उनको इंस्पेक्ट करें, तो हमने वो कार्य पूरे कर लिया है। सारे मेडिकल और डेंटल कॉलेज इंस्पेक्ट हो गए हैं और उनको हम जल्दी ही एफिलिएट कर देंगे यूनिवर्सिटी से। इस साल जो बच्चे मेडिकल या मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के, चाहे वो MBBS के हो चाहे वो BDS के हो, वो जो एडमिट होंगे नीट के थ्रू, उनकी रजिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने पूरी उनका प्रावधान कर लिया है। वो बच्चे रजिस्टर्ड इस यूनिवर्सिटी से होंगे तो हम ही उनका एग्ज़ाम कराएंगे आगे। इसके अलावा हमने नर्सिंग कॉलेज की इंस्पेक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया है और वह भी जल्द हम सारे कॉलेजेस उनको इंस्पेक्ट करके उनको भी एफिलिएट अपनी यूनिवर्सिटी से वो कर दिए जाएंगे। ऐसा हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हमने जो यूनिवर्सिटी को शुरू से ही हमने प्रस्ताव रखा है और हमारा एक ध्येय है, मोटो है कि हम इसको पूरा डिजिटल करेंगे यूनिवर्सिटी को, तो उसके लिए भी हमने बजट का प्रोविज़न कर लिया है। इस साल हमें सरकार से 3.5 करोड़ रुपए की ग्रांटिंग एड उपलब्ध हो गई है। उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और इस बजट को हम जो कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन जो करना है यूनिवर्सिटी का, फुली कंप्यूटराइजेशन, उसमें हम उसमें पैसा लगाएंगे और उस डायरेक्शन में भी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स अप्रूव हो जाएंगे, स्टैट्यूट्स अप्रूव हो जाएंगे, तो हमारी जो पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है कि एक्सपीरियंस स्टाफ आए, तो उसमें भी हमें आगे बढ़ना है। उसमें हमने रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल जैसे ही बन जाते हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट करके एक्सपीरियंस्ड लोगों का चयन शुरू करेंगे। मनाली स्वीट्स एंड बेकर्स नेरचौक, सुंदरनगर और मनाली के बाद अब नेरचौक में भी उपलब्ध मिठाइयों, बेकरी और डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध नाम। थोक और परचून में मिठाइयों, सभी प्रकार की बेकरी, एगलेस केक, डेयरी में दूध, दही, पनीर और देसी घी सहित और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए अब नेरचौक में भी संपर्क करें। मनाली स्वीट्स एंड बेकर्स नेरचौक, ऑपोजिट नेरचौक मेडिकल कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।